हाँ साथियों, रागिणी आपके बीच में सरवर नीर के प्रसंग से कि जब वो भटियारी रानी अमली को धोखे से जहाज पर छोड़ आती है और सौदागर अपने जहाज को चलता कर देता है। सौदागर की नियत में खोट था, रानी अमली से कहने लगा कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती है, कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती है, और कदम गिन गिन के रखती हो कमर बल खाई जाती है। आइए सौदागर क्या कहता है और रानी अमली क्या जवाब देती है, सुनिए। तेरी सुथरी शान परी चमके लागे गात में, मत खोटा बोले देख वीर की जात में। तेरी सुथरी शान परी चमके लागे गात में, मत खोटा बोले देख वीर की जात में। ओ वीर की जात बतामने अन्याई। चंदर मासी श्यान तेरी किस चिंता में मुरझाई। कर्म लिखा फल पड़े भोगना हुया करे हर चाही। ओ कर्म लिखा फल पड़े भोगना हुया करे हर चाही। चांद पे स्याही री चांद पे स्याही पूर्णिमा की रात में। हान लाभ को ना बंदे के हाथ में। ओ बंदे के हाथ जर्सी ओट देख के। दिल में दर्द कलेश तेरी विपता की चोट देख के। सरवर नीर पुत्र याने दिन काटू जोट देख के। हो सरवर नीर पुत्र याने दिन काटू जोट देख के। तक बांधी दुख की रे रेंदे रेंदे। बांधी दुख की पोट राम ने साथ में। आए लाज शर्म का बाना सही ही दांत में। ओ सही ही दांत में।
फिर तवाई बरती धर्म की राही चाल रही ना कुक्रम पे पांधरती डूब के माँ बाप तेरे दिशा खेलिया खेल कुदरती अंबर ने पट क्या हमको और बोझ सहे न धरती हो अंबर ने पट क्या हमको और बोझ सहे न धरती या डलती फिरती री अच्छा या डलती फिरती छाँव फूल फल पात में आए कदम न धरना चाहिए सेठ खुरा पात में हो सेठ खुरा पात में कविताई करे हाँ कविताई का सत्संग लग्या जमात में राम रतन बह गुरु चरणों की चाहत में ओ चरणों की चाहत में तेरी सुफरी शान परी चमके लागे गात में खोटा बोले देख वीर की जात में